Hello dear friends, how are you? I hope that you all have been taking a very very good care about your health as well as your study, because examinations are coming closer and closer day by day. एग्जाम्स लगातार पास आते जा रहे हैं और आपकी तैयारियां भी वैसी ही बढ़ती जा रही होंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. स्पेशली विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश बाय एस गोस्वामी, आपका मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल. सो इस छोटे से वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 28, ये एक्सरसाइज है सिंपल सेंटेंसेस के, जो हमने अब तक 20 से लेके 27 तक सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व किए अलग अलग रूल से. इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो सेंटेंसेस हैं वो उन सारे रूल्स को एक साथ हमें अप्लाई करना है अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग रूल ऑब्वियसली. तो हम सॉल्व करना शुरू करेंगे. नंबर वन है द वॉर वॉज ओवर, युद्ध समाप्त हो गया था. देयर वॉज पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति थी. तो हम क्या करेंगे, वॉच की जगह पर बींग लगाएंगे. फॉर्मूला आपको अच्छा लग रहा है और कमेंट जरूर करें और लाइक करें अगर अच्छा लग रहा है. बाकी सेंटेंस सेम उतारेंगे, ये बात बार बार बताई जा रही है, जब दो सेंटेंस उतारेंगे तो यहां पर हम एक कॉमा जरूर लगाएंगे. नेक्स्ट, द सन सेट, सूरज डूब गया. माई फादर हैड नॉट अराइव्ड, मेरे पिताजी नहीं आए थे. तो द सन हैविंग सेट, और यहां पर फिर एक कॉमा लगाएंगे और बाकी माई फादर हैड नॉट अराइव्ड एज इट इज नीचे आ जाएगा. नंबर थर्ड, शी विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, वह इस एग्जाम को पार कर लेगी, इस एग्जाम को क्रॉस कर लेगी. शी इज श्योर ऑफ इट, वह इसके बारे में निश्चित है बिल्कुल. तो शी विल, यहां पर इस श्योर को लाकर यहां पर एडवर्ब की तरह यूज करेंगे श्योरली. तो शी विल श्योरली गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, इस पार्ट को नीचे उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और इस सेंटेंस में कोई कॉमा भी नहीं लगेगा क्योंकि हमने केवल एक सेंटेंस को ही नीचे उतारा है, दूसरे सेंटेंस से हमने केवल एडवर्ब उठाया है. क्लियर. नंबर फोर देखेंगे, आई एडवाइज, मैंने उसे सलाह दी. आई गेव हिम मनी, मैंने उसे धन दिया. जब एक साथ दो सहायताएं दी जाएंगी तो हम प्रीपोजिशन का यूज कर लेंगे, बिसाइड्स मनी के अतिरिक्त, गिविंग और प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज करेंगे, उसे धन, क्योंकि हमें दोनों में से एक क्रिया को गायब करना है, एक को संभाल के रखना है. तो हम इसको हटाएंगे, तो बिसाइड्स गिविंग हिम मनी, उसे पैसे देने के अतिरिक्त, पहला सेंटेंस एज इट इज आ गया, आई एडवाइज, मैंने उसे सलाह दी. नेक्स्ट, ही टर्न टू द लेफ्ट, वह बाएं मुड़ा. ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा. तो टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं मुड़कर, ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा. मीरा हैड फेल्ड, मीरा फेल हो चुकी थी. शी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी. और लास्ट सेंटेंस है शी वेप्ट, वह रोई. तो इसमें से एक वर्ब संभालेंगे लास्ट वाली, बाकी दोनों का क्या करेंगे आइए देखेंगे. हियरिंग माने सुनकर, तो पहली वर्ब गई. द न्यूज, खबर ऑफ हर फेलियर, अपनी असफलता की. तो इस वर्ब को हमने नाउन में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि असफल होना और असफलता में. बात का सेंटेंस जो पहले वाला था उसे लेकर आएंगे, मीरा वेप्ट. तो अपने फेल होने की खबर सुनकर मीरा रोई. तो इस तरह से हमने तीन सेंटेंस को एक में सिंपल सेंटेंस में चेंज किया. क्लियर. नंबर सेवन है द मार्केट वाज क्लोज्ड, बाजार बंद हो गया था. आई कुड नॉट बाय बुक्स, मैं बुक्स नहीं खरीद सका. तो इसके लिए क्या करेंगे, वाज की जगह पर बींग लगाएंगे. तो द मार्केट बींग क्लोज्ड, कॉमा लगाएंगे, बाकी सारा सेम हम उतार सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है हर मदर वाज बीटिंग हर, बहुत इंटरेस्टिंग है. उसकी माताजी उसे पीट रही थी. शी बिगेन टू वीप, और वह रोने लगी. तो क्या करेंगे, शी बिगेन टू वीप, वह रोने लगी ड्यू टू, कारण से हर मदर्स बीटिंग, अपनी माताजी की पिटाई के. नेक्स्ट है राम रोट एन एसे, राम ने एक निबंध लिखा. इट टुक हिम नो टाइम, और ऐसा करने में उसे कोई टाइम नहीं लगा. सिंपल, राम रोट एन एसे, ऐसे ही उतार देंगे. आगे इन लगाएंगे और इट टुक हिम हटा देंगे, इन नो टाइम. ओके. नंबर टेन, द बॉय वॉज नॉट पनिश्ड, लड़के को दंडित नहीं किया गया था. ही वॉज मिस्चीवियस, वह शरारती था. तो सिंपल है, एडजेक्टिव उठाकर ले आएंगे, द मिस्चीवियस बॉय, यहां लगाएंगे एक एडजेक्टिव, मिस्चीवियस बॉय, बाकी सेम वॉज नॉट पनिश्ड, इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं. नेक्स्ट, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती स्वीकार की. ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, उसने अपना पश्चाताप या पछतावा, एक्सप्रेस माने व्यक्त किया.
तो बिसाइड्स एडमिटिंग इस हिस्से की जगह स्वीकार करने के अतिरिक्त क्या स्वीकार किया? हिज मिस्टेक, अपनी गलती, बाकी सेम उसने अपना पश्चाताप भी व्यक्त किया। नेक्स्ट है द बुक हैज बीन प्रिंटेड, किताब छप गई है। द बॉयज विल परचेज इट नाउ, लड़के इसे खरीद लेंगे। तो क्या करेंगे? द बुक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे, हैविंग लगाएंगे बस, हैविंग बीन प्रिंटेड, बाकी सारा सेम, एक कॉमा, द बॉयज विल हैव परचेज इट नाउ। नेक्स्ट है ही अर्नड नेम, उसने नाम कमाया। ही सर्व द कंट्री, उसने देश की सेवा की। तो फिर बिसाइड्स अर्निंग नेम, नाम कमाने के अतिरिक्त उसने देश की सेवा भी की, है ना इंटरेस्टिंग।